आशुतोष पाठक वो क्यू आई वाला अच्छा काम कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है बहुत सारा चीज़, बट वो गधा एक चीज़ पे अटका हुआ है कि विराट कोहली चाइना से निकला, वुहान से। तो सारा खेल है जो विराट कोहली को सच्चा मानने में लगा है, पब्लिक को एक नरेटिव बनाने में लगा है कि विराट कोहली सच्चा है, और फंक्शन चेंज करके ये लोग कुछ कर सकते हैं, मतलब बायो हथियार बन सकता है। तो ये नैरेटिव इस्टेब्लिश करना है, इसलिए ये जो अपोजिशन है, आइदर ये लोग गधे हैं या कंट्रोल्ड अपोजिशन है, दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग, ईच आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग विच डजेंट इवन एग्जिस्ट बाय सम अदर वे। एक अलग तरह से चूतिया बना रहा है, उसको अपोज करने वाले अलग तरह से चूतिया बना रहे। तो ये दोनों मिलके ये नरेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि विराट कोहली सच्चा है और ऐसा कुछ बायो वाला हथियार रहता है और ये फंक्शन चेंज करना सच्चा रहता है। तो ये जो गधे लोग हैं, अभी ये लोग इतना रिसर्च करते हैं, इतना किताब पढ़ते हैं, इधर उधर का न्यूज़ ढूंढते और न्यूज़ को एनालाइज करते और ये सब कुछ करते हैं, इनको एक बात जाननी चाहिए कि ये लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। सारे जो पब्लिशर यूनिट्स है, ये पेपर्स जो रिलीज होते हैं, वो कौन, एक ही एजेंसीज है जो सारा मीडिया कंट्रोल करते हैं और सारा मन का लिखा हुआ साइंस रहता है, और ये फीड किया जाता है। उनको मालूम है ये पकड़ के यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे, अल्टरनेट मीडिया वाले, और तू मैं होगा, और बेसिकली इनको ऐसा दिखा दे कि अरे एक फ्रॉड एक्सपोज हुआ, ये ईमेल लीक हुआ कि ये इधर पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था, मतलब ये भी इसमें शामिल है, ऐसे लीक होते हैं। तो बेसिकली ये फेक लीक्स रहते हैं जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि विराट कोहली एग्जिस्ट और बायोलॉजी वाला कुछ तो सच्चा रहता है। देखो न्यूटनियन फिजिक्स और ये जब क्वांटम फिजिक्स में बहुत फर्क रहता है। अगर मैं घर पे बॉम्ब बनाएगा और उसको मैं बाहर लेके जाएगा तो भी बॉम्ब ही रहेगा, चाइना में लेके जाएगा, यूएस में लेके जाएगा, यूरोप में लेके जाएगा, बॉम्ब बॉम्ब रहेगा, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, मतलब बड़ा चीज़ है। लेकिन अगर नैनो स्केल में जाता है, एटॉमिक लेवल पे जाता है, तभी चेंज होता है, जो लॉ फिजिकल जो लॉज रहते हैं वो चेंज होते हैं। अगर मैं एक लैब के अंदर कुछ बनाएगा, उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लगता है, और अगर मैं उसको बाहर लेके आएगा वो चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक क्वांटम फिजिक्स। तो नैनो स्केल में रूल्स अलग होते हैं और ऐसा कुछ बनता नहीं है, सब चूतिया बनाने के धंधे हैं, पिक्चर बना के दिखाते हैं, पेपर लीक होके दिखाते हैं और कहानियां बना के दिखाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़ बहुत सारा झूठा है, स्पेशली विराट कोहली का और ये वॉर का भी क्या चल रहा है, ये सब जो उधर रहता है एक्चुअल में उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वरना ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूज़ में प्रोपेगेंडा रहता है, एक तो रशियन प्रोपेगेंडा रहेगा या अमेरिकन प्रोपेगेंडा रहेगा। अभी ये साउथ कोरिया में जो 150 लोग मरे, ये देखो तुमने देखा रहेगा, सबने वीडियो क्लिप्स देखे, छोटे छोटे वीडियो क्लिप है, 10 सेकंड के 20 सेकंड के भगदड़ वाले, और
सीसीटीवी का फुटेज नहीं है। अभी सियोल इतना बड़ा शहर है, हर कैमरा हर रास्ते पे चप्पे चप्पे सीसीटीवी रहेगा, और सीसीटीवी 10 सेकंड 20 सेकंड का नहीं रहता है, कंटिन्यूस फुटेज रहेगा। अगर स्टैम्पीड हुआ है तो पूरा दिखाओ सीसीटीवी फुटेज, 2-3 घंटे का, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, वो पूरा दिखता है। अपने इधर क्राइम होता है तो गाड़ी कौन सा चेक पॉइंट से गया, सीसीटीवी से के फुटेज से बहुत सारे क्रिमिनल पकड़े गए। एक छोटी बच्ची का, 5-6 साल की बच्ची थी, उसके चाचा ने उसका खून कर दिया, तो उसका चाचा का सीसीटीवी फुटेज मिला, कार चला रहा था, बच्ची बाजू में थी, कैमरा से फोटो निकला और उसको चाचा को पकड़ा गया। तो सीसीटीवी फुटेज से डिटेल में क्राइम रिपोर्ट निकलेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हो गया। फुटेज तुमको दिख रहा है रैंडम 10-20 सेकंड का, और लोग गिरे हुए हैं, छाती दबा रहे दूसरे लोग, तो क्लियरली इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ए भगदड़, क्योंकि भगदड़ अगर होता है, घंटों चलता है, तो सीसीटीवी फुटेज दिखा तो मोस्ट लाइकली होक्स रहेगा। क्योंकि जो मेन पॉइंट है, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा, मतलब मीडिया ऐसा मान लेती है कि 150-160 मील मरे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में गए और बाद में फूल चढ़ा रहे, मेनबत्ती लगा रहे, वो फुटेज दिखाई देगा, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दिखाई देगा। और भगदड़ का 10 सेकंड का 20 सेकंड का फुटेज दिखाई देगा, बाद में छाती दबाने वाला फुटेज दिखाई देगा। सो क्या अपन मान ले कि भगदड़ हो गई थी और बाद में ये हुआ? होक्स बहुत चलता है, अमेरिका में शूटिंग का होक्स बहुत चला, और ये लोग कैसा, अभी एक शूटिंग का होक्स था, स्कूल में लोग बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग में गए, तो 15-20 जो नाम दिए थे वो लोग ने, वो नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, फोटोज भी डायरेक्ट डाल देते, तो इतना बड़ा होक्स चला थे, 15-20 जन क्लाउड कंप्यूटिंग गए थे, एक भी वो सच्चा नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है वैसा कोई, तो ये भी होक्स हो सकता है। ये लोग बड़ा होक्स चलाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा झूठ कैसे कोई बोलते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल द मीडिया, दे कंट्रोल एवरीथिंग। जैसे विराट कोहली का होक्स चलाया, अभी तक चल रहा है, अभी तक मार्केट में नया नया वैरायटी आ रहा है विराट कोहली का, तो लोग इतने गधे हैं कि ये ड्रामा है, समझ नहीं पा रहे। वो लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता है, लेकिन जितना बड़ा झूठ होगा, बिंदा झूठ बोलेगा, उतना लोग बिलीव करते हैं। ये एक थोड़ा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतने सारे लोग तो झूठ बोल नहीं सकते, और ये लोग जो न्यूज चैनल चलाते हैं, ये लोग ने बेसिकली न्यूज का चैनल का लाइसेंस नहीं लिया है, ऐसा लिया रहेगा तो दे हैव टू वेरीफाई द प्रूफ, और झूठा न्यूज नहीं दिखा सकते। लेकिन ये लोग के लाइसेंस एंटरटेनमेंट के है, न्यूज चैनल के लाइसेंस नहीं है, और एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये लोग कुछ भी डाल सकते हैं। एक्सपर्ट्स है, कहानी बनाते हैं कि इधर UFO निकला, बिकॉज दे हैव एंटरटेनमेंट लाइसेंस, न्यूज चैनल का लाइसेंस नहीं है, तो ये लोग कुछ भी बकवास कर सकते हैं। लेकिन न्यूज चैनल के नाम से चलाते हैं, लाइसेंस एंटरटेनमेंट का रहता है, और बिंदास खुलेआम झूठ बोलते हैं। तो ये क्यों अभी पाठक इतना रिसर्च करता है गधा, तो जरा विराट कोहली सच्चा है कि नहीं, क्योंकि ये लोग के कैसे व्यूज ज़्यादा है, मेरे चैनल के व्यूज़ कम है, विलास जगदाल भी व्यूज ज़्यादा है, अच्छे खासे व्यूज़ है, लेकिन वो बकवास करते रहता है, वो भी न्यूज़ पढ़ के उसके दिमाग से खेल रहे हैं। ये जो न्यूज़ आती है, ये बेसिकली अल्टरनेट मीडियाज को कंटेंट देने के लिए ये लोग न्यूज़ के जरिए दिमाग से खेलते हैं। तो अभी तेरे चैनल में ज़्यादा व्यूज़ है, तो विराट कोहली है कि नहीं वो भांडा एक्सपोज कर,
यही तो मेन पॉइंट है विराट कोहली का, जिसके ऊपर से ये सारा स्कैम चलाया जा रहा है, एक विराट कोहली का बकवास है। तो चलो, जिनके भी चैनल के व्यूज़ ज़्यादा है, योहान टेंगरा का व्यूज़ ज़्यादा है, लेकिन वो मिस इन्फॉर्मेशन, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि, लेकिन जो वो गार्बेज पढ़ रहा है, पोस्ट अपोस्टेल वो सब वाह वाह साइंस, वो वाह वाह साइंस है, वो लोग नहीं लिखा है, जो लोग ने विराट कोहली कहाँ से आया उसकी कहानी बनाई, विराट कोहली कैसे डिटेक्ट करने का उसकी कहानी बनाई, और विराट कोहली के सिम्टम्स क्या है, सारे सिम्टम्स विराट कोहली के उन्होंने ही बताए, प्लस विराट कोहली निकलने के बाद कौन सी दवाई देने की वो भी वो लोग ने ही बताया, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे भेज के विराट कोहली का सूडो साइंस का गार्बेज वाह 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 साइंस किताब और आर्टिकल में लिखा, जो ये रिसर्चर्स ने पढ़ा है वो सारा गार्बेज है, और ये गार्बेज से ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है। तो आशुतोष पाठक, उसका व्यूज़ है अच्छा खासा, तो विराट कोहली कैसे आइडेंटिफाई होता है उसका तो भी स्टडी करें, और जो जानवर पे ऊपर विराट कोहली का स्प्रे मारा कैसे मारा वो भी तो देखे, अगर किसी के नाक में, छोटे से जानवर के नाक में 100-200 ml विराट कोहली का मिक्सचर वाला, मतलब वो डिश में मरे हुए बंदर का 5-6 केमिकल मिक्स करके जो बनाते हैं सूप, वो अगर 100-200 ml उसके नाक में टॉक्सिन वाला केमिकल नाक में घुसा देगा ज़्यादा क्वांटिटी, और उसको एक पिंजरे में बंद करके रखेगा, कांच के छोटे से पिंजरे में जो जिसमें वो ज़्यादा घूम फिर भी नहीं सकता, तो तुम सोचो अगर तुमको ऐसा बंद करके रखेगा 5-7 दिन, तो वैसे ही तुमको घबराहट होगी, इरिटेशन होगा, एंजाइटी होगी, और वैसे ही तुम क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाएंगे। तो ये कुत्ते लोग ने 100-200 ml नाक में घुसा के, जो स्क्विरल टाइप जो जानवर रहता है छोटा सा, उसके 5-7 दिन कांच के डिब्बे में बंद करके रखा, फिर भी वो क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं गया, तो 5-6 बार दिया उसको, बाद में वो क्लाउड कंप्यूटिंग में गया, तभी ये लोग ने बोला कि कौन सा तो यूनिवर्सिटी में खतरनाक वैरायटी बनाया है, जबकि उसको टॉर्चर से क्लाउड कंप्यूटिंग में भेजा। सेम चीज़ बंदरों के साथ भी करता है, बंदर को एक कांच का डिब्बे में बंद करता है जिसमें वो सिर्फ खड़ा रह सकता है, बैठने का भी जगह नहीं है, और उसके ऊपर विराट कोहली का स्प्रे मारा, तो वो बेसिकली टॉर्चर से क्लाउड कंप्यूटिंग में गया है, ना कि विराट कोहली के वजह से, और उसको टॉर्चर तब तक करते हैं जब तक वो क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं जाता है। अभी 10 दिन रखा बंदर, 10 दिन में वो क्लाउड कंप्यूटिंग में गया नहीं, उसका हालत तो खराब होगा, एंजाइटी होगी, बीमार होगा, तो ये लोग विराट कोहली पे नाम डालेंगे कि देखो विराट कोहली ने क्या किया, फिर भी वो क्लाउड कंप्यूटर, फिर और एक बार डाल उसको कांच के पिंजरे में और स्प्रे मार, तो वो तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जाने ही वाला है इवन विदाउट स्प्रेइंग विराट कोहली, क्योंकि तुमने उसको टॉर्चर किया है, कांच के डिब्बे में बंद करके रखा है जिसमें बैठने का भी जगह नहीं है, उसको सिर्फ खड़ा रहना है, और ऐसा वो तड़पते रहता है, एंजाइटी रहता है उसको, तभी वो टॉर्चर से क्लाउड कंप्यूटिंग में जाता है, और ये लोग विराट कोहली पे नाम डालते। तो गधे लोग ने ये भी चेक करना चाहिए वो पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट किया है, और कैसे वो आइडेंटिफाई किया है, पूरा प्रोसेस पूरा डिटेल में जाएगा तभी समझेगा। ऊपर ऊपर ये लोग ने जो गार्बेज लिया है, लिखा है, वो पढ़ेगा तो वो वाह 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 साइंस होता है, वो लोग ने मन से लिखा है, गधा लोग ने पढ़ा है और बेसिकली वाह 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 किया है, वो साइंस है। जैसा अपना प्रधानमंत्री, उसको गोरे लोग के आदेश आते हैं, लगे जाता है लाइव 8 बजे वाह 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 करने, तो ये सेम है, वाह 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 साइंस है ये, इसमें कुछ नहीं है,
गार्बेज मन से लिखा हुआ है चीज़ है।